डियर स्टूडेंट्स, टीएच एजुकेशन चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर पॉलीनोमियल की। एक क्लास टेंथ का चैप्टर है बहुपद, और इसके बारे में कुछ बेसिक मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और जिस किसी ने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो आइकन पर क्लिक करके देख सकता है। और अब हम आगे से उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं उसके बारे में बेसिक थोड़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जो मैंने पहले आपको बताया था। तो देखिए, हमने बात की थी कुछ वेरिएबल की, और बात की थी हमें कांस्टेंट की, और बात की थी हमने टर्म्स की, और बात की थी हमने कोफिशियंट की, और बात की थी हमने एक्सपोनेंट की। तो देखिए, पॉलीनोमियल क्या होता है, ये हम कह सकते हैं कि एक पॉलीनोमियल है, क्योंकि हमने बताया था कि वेरिएबल यानी कि कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, अलग अलग बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वही वेरिएबल होता है। और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू सेम रहती है वो कांस्टेंट होता है। टर्म्स बताया था, ये सारे टर्म्स होते हैं जो प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट रहते हैं। और कोफिशियंट बताया था, जो भी वेरिएबल होगा उसका जो मल्टीपल होगा वही कोफिशियंट होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है तो आप बताओगे 2, अगर आपसे पूछा जाता कि एक्स का कोफिशियंट क्या है तो आप बताओगे 7। और एक्सपोनेंट होता है पावर, इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 1 है, ये पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। और पॉलीनोमियल जब ही बनेगा जब पावर की बात करेंगे, एक्सपोनेंट की बात करेंगे। जो भी पावर होगी वो होनी चाहिए होल नंबर में, होल नंबर। और होल नंबर्स क्या होते हैं आप जानते ही हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 1, 2, 3 कंटिन्यू चलते रहते हैं, इन्हीं को होल नंबर कहते हैं। ये पावर होगी तभी पॉलीनोमियल होगा। यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। मैं बात करता हूँ एक्स प्लस 7, ये मैंने लिखा है। क्या मैं कह सकता हूँ कि पॉलीनोमियल है? तो मैं कह सकता हूँ हाँ, ये एक पॉलीनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर 1 है और 1 पावर हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इसके निकालते हैं सॉल्यूशन, जैसा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ से सीखने वाले हैं आज जीरोज़ फाइंड करने। इसका जीरोज़ क्या होगा? जीरोज़ वो वैल्यू होती है जो इस पॉलीनोमियल पर पुट कर दी जाए तो सॉल्व करने पर 0 आ जाए, वो उसी वैल्यू को जीरो कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। तब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ वाई लगा लेंगे, जैसा कि आपने पिछली क्लासों में सीखा है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पर जैसे इस तरीके से, तो वाई आता है 7। ऐसे ही अगर हम वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -7। अब हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, हम इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना होगा हमको, क्योंकि यहाँ पर 7 वैल्यू दी हुई, 7 तक दी हुई है वैल्यू। कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ इसी में एडजस्ट करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है हमारी, ये हमारी वैल्यू होगी। अब इसको पुट करते हैं, यानी कि 0, 0 और 7 को हमें पुट करना होगा। 0 इधर और इस 7, 0 इधर और 7, वाई का 7 है प्लस में है तो यहाँ पर आएगा, तो इसे हम 0, 7 कहेंगे। अब -7 एक्स पर है और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 और 0, इसे हमने किया। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूँ इस ग्राफ को हमने क्यों बनाया है। एक्स एक्सिस की बात हुई थी, तो एक्स एक्सिस पर जहाँ कहीं भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही इसका जीरो होगा, तो यहाँ पर उसने इधर किया। ठीक है,
तो यहाँ पे माइनस सेवन आ रहा, तो माइनस सेवन यहाँ रखेंगे तो सेवन माइनस सेवन और सेवन हो जाएगा कट के ज़ीरो, तो माइनस सेवन ही इसका ज़ीरोज़ है। और इसकी सी हेल्प से आप समझ पाए हैं कि इसका एक ज़ीरोज़ है, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन का वन ज़ीरोज़ होता है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या पॉलीनोमियल की, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा है पॉलीनोमियल, इसको हम पहले बनाएंगे इक्वेशन में, उसके बाद इसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए बनाना होगा हमको एक टेबल, और टेबल ये बन चुकी है हमारे पास एक्स और वाई। पहले हम एक्स की वैल्यू को हम माइनस टू रख देते हैं, ठीक है, माइनस टू एक्स की वैल्यू में अगर रखते हैं तो यहाँ माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस टू, तो इस प्रकार से यह फोर और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस सिक्स बाई फोर, इससे ये कट सकता है और वैल्यू होगी सिक्स, यहाँ वैल्यू बाई की सिक्स आ गई, ठीक है। दोबारा से यही उतारना होता है हमको, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। अब मैं वैल्यू रखता हूँ माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस वन और फोर, तो माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, ये हो जाएगा प्लस थ्री और ये फोर और ये माइनस फोर, तो ज़ीरो, तो ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब हम रखते हैं एक्स की वैल्यू, मान लो टू रखते हैं, तो टू यहाँ रखेंगे, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, फिर माइनस टू यहाँ रखेंगे तो टू थ्री जाओ सिक्स हो जाएगा और माइनस फोर, तो इससे ये कट गया, आ गया माइनस सिक्स, इस बार आ गया माइनस सिक्स, क्या रखने पर, टू रखने पर माइनस सिक्स, ठीक है। फोर रखते हैं तो फोर हमने यहाँ रखा, एक्स की वैल्यू फोर ली हमने, तो फोर का स्क्वायर किया तो सिक्सटीन हो गया, डायरेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ फोर के फोर थी या ट्वेल्व हो गया और ये फोर, इसको हमने जोड़ा तो माइनस सिक्सटीन आया और यहाँ पर प्लस सिक्सटीन, ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू फाइव रख कर देख लेता हूँ, फाइव यहाँ रखूँगा, फाइव का स्क्वायर करने पर ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, फाइव थ्री चार फिफ्टीन हो जाएगा और 25 इसको ऐड करने पर 19, इस तरीके से 6 आ गया 5 रखने पर। अब इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम बना रहे हैं ग्राफ, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। अब ये देखिए माइनस टू और सिक्स को इस पर पुट करते हैं, तो माइनस टू और सिक्स आएगा यहाँ, माइनस वन और ज़ीरो यहाँ, टू और माइनस सिक्स, टू और माइनस सिक्स आ गया यहाँ, फोर और ज़ीरो तो यहाँ आ गया, और फाइव और सिक्स, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से जो बना इसी को हम पैराबोला कहते हैं, इसे पैराबोला कहते हैं, इसे पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस टाइप से बनेगा, और ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट करता है, तो हम कह सकते हैं इसके टू जीरोज हैं, दो जीरोज हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन करने के लिए, 2.1 स्टार्ट करते हैं, आपको सब समझ में आने लगेगा। अब देखिए ये 2.1 के मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे, ग्राफ ले रखे हैं, इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है, कितने हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ना समझना और सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो हमें बताना है इसमें पॉलीनोमियल इन एक्स, यानी कि जो पॉलीनोमियल एक्स, एक्स में कितने जीरोज आएंगे वो बताना है। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये एक्स एक्सिस पर कहीं भी कट नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं इन दिस ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज इज ज़ीरो, को एक भी ज़ीरो नहीं है, बिकॉज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट
और एट एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर आएगा ज़ीरो। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो कहेंगे इन दिस गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज इज वन बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। इस तरीके से हमें लिखना होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वन। सिर्फ ऐसे ही इसमें करेंगे हम, इसमें क्या है इन दिस गिवन ग्राफ लिख सकते हैं, देखिए इन दिस गिवन ग्राफ पॉलीनोमियल इन एक्स द नंबर ऑफ जीरोज आर थ्री, वन टू एंड थ्री, बिकॉज because it intersect intersect the x axis at three points। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, लिख सकते हो। सेम ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें दो होंगे वन टू, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसमें वन टू थ्री फोर, फोर पॉइंट पे करता है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस फोर हो जाएंगे। इसके टू, इसमें वन टू थ्री, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस देंगे थ्री। ठीक है, ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैं बताने के कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं इसके, ये आ गया, और इस तरीके से लिखना भी आपको आ गया है, तो आप 2.1 को कंप्लीट कर पाएंगे। आप अपनी कॉपी में इसे बनाना, नोट्स बनाकर इसे करते रहना, सारा कंप्लीट कराना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, और मेहनत से पढ़ना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको क्या करना है दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपको मेरी वीडियो को देखना है, मेरी वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूं। और जो भी बच्चा मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उसको मिलती रहे। ठीक है, तो इसके आगे का जो भी हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि 2.2 एक्सरसाइज जो पढ़ने वाले हैं, वो अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।